बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की नाराजगी की खबरों की, वो सीएम हॉस्पिटल देखिए मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव लौट गए थे। उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी थे गुलाम मोहम्मद मीर, वो भी यहां पर पहुंचे हुए थे। उनके साथ जो है के प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश, वो भी मौजूद थे। और काफ़ी देर तक इस बात को लेकर चर्चा हुई और जो नाराजगी चल रही थी आरजेडी को लेकर, उसको लेकर भी जो है चर्चा हुई। और अभी निकल चुके हैं प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ साथ उनके जो विधायक दल के नेता थे रामेश्वर उरांव, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वो भी अंदर काफ़ी देर तक मौजूद थे। संभवतः सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें थी वो हो रही होंगी, हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि आरजेडी की जो नाराजगी है वो दूर हो पाई है या फिर नहीं हो पाई है। हमने कोशिश की बात करने की लेकिन बात नहीं हो पाई, किसी ने भी कुछ भी कहने से मना कर दिया है। जो प्रदेश प्रभारी थे गुलाम अहमद मीर, उनसे भी बात करने की कोशिश की, वो भी कुछ नहीं कहते हुए नजर आए। उसके साथ साथ जो यहाँ के अध्यक्ष है प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। संभवतः जो नाराजगी देखने को मिल रही थी जब यहाँ से जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव कल पहुँचे थे, कल देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई थी उनकी, और आज भी रेडिसन ब्लू में उनकी मुलाकात हुई थी। और मुलाकात के बाद ये बातें निकल कर सामने आ रही थी कि तेजस्वी यादव नाराज हैं, वो चाह रहे थे कि टिकट की जो संख्या है वो बढ़ा दी जाए। और इसको लेकर जो मनोज झा उनके सांसद हैं उन्होंने भी अपनी नाराज़गी प्रकट की थी और ये कहा था कि 15 से 18 सीटों पर वो मजबूत है और अकेले चुनाव भी लड़ सकते हैं अगर गठबंधन में ये सब निर्णय नहीं होता है, तो विकल्प उनके लिए खुला है। तो साफ तौर पे उस समय आरजेडी की ओर से एक मैसेज दे दिया गया था। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुँचते हैं, कई घंटों तक मुलाकात होती है और उसके बाद बिना कुछ कहे तेजस्वी यादव यहाँ से निकल जाते हैं। वो जो सिचुएशन था और वो उस समय की अगर तस्वीर की बात करूँ तो साफ दिख रहा था कि तेजस्वी यादव की जो नाराज़गी है वो अभी तक दूर नहीं हुई है। और कांग्रेस के जो आलाकमान यहाँ पर पहुँचे हुए थे, हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई और मुलाकात करने के बाद जब वो लौट रहे थे तब भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी नाराज़गी संभवतः नहीं दूर हुई है। और कांग्रेस के जो लोग थे सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें हो रही थी संभवतः अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन से दल को कितनी सीटें दी जानी है। हालांकि आपने देखा होगा दोपहर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस समय प्रदेश के प्रभारी गुलाम अहमद मीर वहाँ पर मौजूद थे, विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव भी उसमें मौजूद थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये घोषणा की थी कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ेगी और बाकी जो 11 सीट है वो वाम दल और आरजेडी के कोटे के लिए बचा कर रखा गया है। इसके बाद आरजेडी की नाराजगी सामने आई थी। उसके बाद राहुल गांधी भी होटल गए थे, सीएम हेमंत सोरेन भी गए थे। हालांकि ये कई बातें कही गई थी कि हेमंत सोरेन राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई थी, टिकट को लेकर बात हुई थी, लेकिन संशय अभी तक बरकरार है कि क्या आरजेडी की नाराज़गी दूर हो गई है। अगर दूर हो गई है तो क्या जो बातें निकल कर सामने आ रही थी सीटों को लेकर, क्या उतना ही सीट दिया जाएगा या फिर जो सहमति अंदर बनी है या फिर नहीं बनी है वो क्लियर हो जाएगा कुछ देर में, या फिर कह सकते हैं सीटों में बढ़ोतरी भी हो गई होगी। लेकिन मामला अभी भी जो है संशय के रूप में बना हुआ है कि क्या कुछ अंदर हुआ है, क्या तेजस्वी यादव मान गए हैं जितनी सीटें जो है दी जा रही थी, क्योंकि वाम दल का भी एक फैक्टर है। वाम दल की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि उन्हें कितना सीट दिया जा रहा है, और सीट दिया जा रहा है तो क्या उतने सीटों से वो मान जाएंगे। कल तस्वीरें जो है साफ हो जाएगी कि किसकी नाराज़गी है, कौन कितना सीट चाहता है, और क्योंकि समय कम है
बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। ऐसे में नाराजगी को दूर करते हुए कहीं ना कहीं आगे का रास्ता निकालना होगा, नहीं तो लोकसभा में जो देरी की गई थी खामियाजा भुगतना पड़ा था, ठीक उसी प्रकार का खामियाजा इस बार भी विधानसभा के चुनाव में ना भुगतना पड़े तो कल स्थिति संभवतः जो है क्लियर हो जाएगी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, कराची।